हेलो एवरीवन दिस इज़ आदित्य जोशी आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एन नन अकेडमी एजुकेटर और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जितनी भी न्यू न्यूज़ अपडेट्स वगैरह आती है नीट से रिलेटेड और मेडिकल लाइन से रिलेटेड आल बी अपडेटिंग यू एक गुड न्यूज़ आई है लेकिन इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिए लेकिन उन लोगों को पूरी पिक्चर नहीं पता है तो बात क्या है गुड न्यूज़ ये है कि अब एन को दस साल के लिए डब्लू एफ़ एम ई वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा मान्यता मिल गई है इसका मतलब एन के द्वारा एक्रेडेशन वाले या एन के अंडर में जितने मेडिकल कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे अब डब्ल्यू एफ एम ई की वो आ गई है मान्यता आ गई है अब बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स और बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मैंने बोला ना एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया उन्होंने बोला कि अब इंडिया से बच्चे यू एस वगैरह यू में जा काम कर सकते हैं कैनेडा में जा काम कर सकते हैं ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं दैट इज़ नॉट द केस यहाँ पर आके उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी सिर्फ व्यूज़ के लिए आई थिंक देखो एक्चुअल पिक्चर क्या है डब्ल्यू के द्वारा अगर आपको एक्रेडेशन मिल गया है तो इसकी दो पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जो कि दस साल आपको पता चल गया सेकेंड चीज़ इसके बाद स्टिल आपको यूएसएम्बिल जैसे एग्जाम देने पड़ेंगे समझ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट जाके वहाँ काम कर सकते हो इसका मतलब ये कि अब आप यूएसएम्बली जैसे एग्जाम्स दे सकते हो जिस कॉलेज को ये मान्यता मिल गई उस कॉलेज में बैठ के ये एग्जाम दे सकते हो अगेन आप कहे भैया इंडिया से तो बहुत समय से लोग यूएसए एस देते आ रहे हैं और वही तो मेरा पॉइंट है ये गुड न्यूज़ हर एक कॉलेज के लिए नहीं है बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जिनके पास ई सी एफ एम जी डब्ल्यू एफ एम ई और डब्ल्यू एच ओ और ऐसे बहुत सारे एक्रेडिशन ऑलरेडी थे तो वहाँ से पढ़ने के बाद आप यू एस एम्बली प्लेब एम आर सी एस जैसे एग्जाम दे सकते थे लेकिन अब गुड न्यूज़ असल में ये है कि एन एम सी को अगर ये एक्रेडेशन मिल गया दस साल के लिए तो जितने कॉलेज एन एम सी के अंदर आएंगे उन सब कॉलेज में बैठ के आप यू एस एम्बली जैसे एग्जाम्स दे पाओगे दैट इज़ द गुड न्यूज़ आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ आया और मैंने वीडियो क्यों बनाई समझ आयो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो आई एम एज्यूमिंग दैट और अगर कुछ भी गुड न्यूज़ होती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा ऑल द बेस्ट